नमस्कार दोस्तों, मैं मंगन, आप देख रहे हैं एमटेक रेक्लूसन। दोस्तों आज हम बात करेंगे रियलमी फाइव एंड 5i, दोनों सेम ही मॉडल हैं, बस हार्ड डिस्क का प्रॉब्लम है। दोनों में एक ही प्रॉब्लम आ रही है इस वक्त, अभी रिकवरी मोड। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख ही रहे होंगे कि मैंने सेट को ऑन किया है और पहले से ही खोल के रखा हुआ है, तो अभी ये ऑटो रिकवरी मोड में जा रहा है और इसका सलूशन आज हम आपको दिखाते हैं कि इसे कहां से सही किया जाएगा और आप 100% इसका सलूशन निकाल भी सकते हैं। दोस्तों क्या होता है कि ये जब ऑटो रिकवरी मोड में चला जाता है तो इसमें कई सारी प्रॉब्लम आ जाती है और कई जगह से ये ठीक भी किया जा सकता है। तो अभी हम आपको एक सलूशन इसमें बताने वाले हैं कि इसे कहाँ से ठीक किया जाता है। तो दोस्तों सेट को पहले से ही मैं खोल के रखा हुआ हूँ और चलिए सबसे पहले हम इस फ़ोन के मदरबोर्ड को निकाल लेते हैं और चेक करते हैं कि इसमें कहाँ से प्रॉब्लम है। दोस्तों इसमें प्रॉब्लम तीन ही तरीके से आती है, या आप कीपैड पट्टा शॉर्ट हो, उसके बाद में जो पिन लगी होती हैं कीपैड पट्टा के लिए वो शॉर्ट हो, या फिर कोई रेजिस्टेंस शॉर्ट हो, ज़्यादातर यहीं से प्रॉब्लम आती है। उसके बाद में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो शायद छोटे मोटे टेक्निशियन के बस में नहीं होता है फिर। तो अभी हम पहले मदरबोर्ड की पिन को चेक करते हैं कि हमारा ये मदरबोर्ड की जो पिन है ये तो कहीं शॉर्ट नहीं है, कहीं ग्राउंड नहीं हुए हैं। तो चलिए देखते हैं, अभी मल्टीमीटर को मैंने बजर मोड पर लगाया हुआ है और देखते हैं। दोस्तों आप हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा और सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर दबाइए और लाइक भी करिएगा। दोस्तों जैसा कि हम आपको चेक करके दिखा रहे हैं यहाँ पे कि कोई भी पिन शॉर्ट नहीं है, कोई पिन शॉर्ट नहीं है। एक बार फिर आप देख लें, ये देखिए, और ये सारी की सारी रीडिंग ठीक आ रही है, तो यानी कि कोई भी शॉर्ट नहीं है। अब हम कीपैड पट्टे को चेक करते हैं, यहाँ देखिए ठीक है, कोई रीडिंग नहीं। दोस्तों ये देखो, यानी कि हमारा कीपैड पट्टा ही शॉर्ट है। तो दोस्तों हमें अपनी फ़ोन की मर्ज मिल चुकी है, तो अभी हम उस कीपैड पट्टे को निकाल लेते हैं। और कीपैड पट्टे को निकालने के बाद में दोस्तों अगर आपके पास पूरा कीपैड पट्टा नहीं है तो कोई बात नहीं है, हम क्या करते हैं, हमारे पास भी नहीं है, तो अभी हम की इस पट्टे को निकालने के बाद में जो की शॉर्ट है वही की सिर्फ चेंज करेंगे। तो चलिए दोस्तों और अपने कीपैड पट्टे को हम ओपन कर लेते हैं। दोस्तों ये बहुत नॉर्मल प्रॉब्लम है, कभी भी आ सकता है। ये शायद 100% जो भी प्रॉब्लम ये आती है वो वाटर डैमेज से आती है। कभी कभी क्या होता है, इसके जो माइनस वॉल्यूम वाली माइनस की है उसमें कभी कभी वाटर चला जाने के कारण ये डैमेज हो जाती है। तो अभी दोस्तों हम क्या करेंगे, इसकी माइनस की जो है वॉल्यूम माइनस की या वॉल्यूम डाउन की, इसको अभी हम निकाल लेते हैं और निकालने के बाद में इसमें दूसरी की लगा लेते हैं। दोस्तों ये आपको की 200-300 रुपये में उपलब्ध हो जाती है, कहीं से भी आप खरीद सकते हैं। तो चलिए दोस्तों निकालते हैं। दोस्तों क्या होता है कि ये इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए काफ़ी लोग परेशान होते हैं, लेकिन ये एक आम प्रॉब्लम हो चुकी है। तो अभी हमारे पास ये रियलमी का 5 मॉडल है, रियलमी 5 और 5i दोनों का एक ही बोर्ड होता है, बस रैम और इंटरनल स्टोरेज की थोड़ा डिफरेंस होता है। इसमें आप कुछ भी कर सकते हैं। दोस्तों आप हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा और लाइक करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे हमारे भी मोटिवेशन मिलता रहे। तो देखिए दोस्तों अभी हम इस की को यहाँ से आयरन से ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद में हम यहाँ पे इतनी ही छोटी सी की दूसरी यहाँ से एडजस्ट कर देंगे। ये देखो दोस्तों, इसको मैंने निकाल लिया है और अभी हम यहाँ पर दूसरी की को एडजस्ट करेंगे। पहले इसे एकदम क्लीन कर लेते हैं और क्लीन करने के बाद में अब दोस्तों क्या है, हम यहाँ पे एक दूसरी की लगाने वाले हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से की निकाल रहे हैं और निकालने के बाद में यहाँ पे हम उसे आयरन से सोल्ड कर देंगे और देखेंगे कि हमारा जो कीपैड पट्टा है अभी भी शॉर्ट है या नहीं है। दोस्तों आपको किसी भी प्रकार की जानकारी रिपेयरिंग से चाहिए या किसी क्रेक के बारे में चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों अभी हम इसे सोल्ड कर लेते हैं।
दोस्तों क्या होता है कि जब भी हम अपना कोई फ़ोन रिकवरी मोड में चला जाता है तो दोस्तों सबसे पहले आपको यही दो चीज़ें चेक करनी होती हैं, और इन्हीं दो चीज़ों से शायद 99% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। यदि नहीं सॉल्व होती है तो दोस्तों हमें आगे की प्रक्रिया जो कि रेजिस्टेंस लेके और CPU तक की जाती है उसे आपको चेक करना होता है। दोस्तों मैं अपने इस चैनल को काफ़ी दिनों से ग्रोथ कराने के लिए लगा हूँ, तो पुराना मेरा चैनल डैमेज हो चुका है, इसलिए हमारे सारे सब्सक्राइबर खो चुके हैं। तो मैं सभी से एक ही गुजारिश करूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, और हर एक दिन बाद आपको एक वीडियो आपको रिपेयरिंग से संबंधित मिलता है और एक वीडियो आपको किसी भी डोंगल के क्रेक से संबंधित मिलता है। यदि आपको किसी का भी क्रेक चाहिए तो आप मैं एजुकेशन पर्पज के लिए उसे क्रेक करके दे सकता हूँ, और आप भी उसे एजुकेशन पर्पज के लिए ही यूज करें, ना कि किसी इनलीगल एक्टिविटी के लिए। दोस्तों आप लोग मोबाइल को खोलते समय काफ़ी ध्यान रखना चाहिए कि कहीं ना कहीं आजकल के जो फ़ोन है वो बैक पैनल को ओपन करने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है। दोस्तों नेक्स्ट टाइम में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से किसी फ़ोन के डिस्प्ले में जो ग्लास लगा होता है उसको चेंज किया जाता है। अभी दोस्तों अपने इस पट्टे को मैंने की को लगा लिया और चेक करते हैं कि अभी इसमें कहीं शॉर्टिंग तो नहीं है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि कहीं शॉर्टिंग तो नहीं है। दोस्तों ये देखिए यहाँ शॉर्टिंग नहीं, और यहाँ भी, यानी कि हमारा कीपैड पट्टा अब सॉल्व हो चुका है। और अभी हम इसे अपने फ़ोन में लगा के चेक करते हैं कि हमारा फ़ोन ठीक हुआ है, रिकवरी मोड से बाहर गया है या नहीं गया है। दोस्तों सिर्फ 3 ही रुपये का खर्चा है, लेकिन टेक्निकल भाई को आना चाहिए। अगर जो टेक्निकल नहीं है उन्हें सर को ऑन खोलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि 3 रुपये के चक्कर में आप 3,000 का भी अपना नुकसान कर सकते हैं। इसलिए प्लीज़ दोस्तों आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप जिस भी भाई को इसके बारे में नॉलेज हो वही उसे ओपन करें। सारे भाई ना अपने घर के तरीके से ओपन कर लें, अंतर प्रॉब्लम हो सकती है, आपका फ़ोन भी डैमेज हो सकता है और 3 रुपये के चक्कर में आप 3,000 का भी नुकसान उठा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों चेक कर लेते हैं कि हमारा फ़ोन रिकवरी मोड से बाहर गया या नहीं गया। तो अब हम फ़ोन को ऑन करते हैं और दिखाते हैं आपको कि हमारा फ़ोन रिकवरी मोड से बाहर गया है या नहीं गया। तो हमारा फ़ोन ऑन हो चुका है, और देखते हैं कि हमारा फ़ोन रिकवरी मोड से बाहर गया है या नहीं। तो जैसा कि आप लोग दोस्तों देख ही रहे होंगे कि हमारा फ़ोन रिकवरी मोड से बाहर जा चुका है और हमारा फ़ोन रिस्टार्ट मोड पे आ चुका है। देखिए दोस्तों हमारा फ़ोन स्टार्ट हो रहा है। दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और फुल वॉच कीजिएगा जिससे आपको सारी नॉलेज मिल सके। देखिए दोस्तों हमारा फ़ोन ऑन हो चुका है, और हमारे चैनल को एक बार मैं फिर आपसे एक गुजारिश करूँगा कि आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा जिससे हमें सारे सब्सक्राइबर वापस मिल सकें और आप नए नए वीडियो दे सकें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग MTech क्लिक सुन सकें। थैंक्स।